मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों की जानकारी ली और जिन जनपद में बाढ़ आए हैं उन जनपदों में राहत सामग्री वितरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, अपराध करने वाले अपराधियों को चिन्हित किया जाए, उन पर लगातार निगरानी की जाए जिससे अपराध पर रोक लगाया जा सके। इसके अलावा प्रदेश में कहीं पर भी मादक पदार्थों की बिक्री न होने पाए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई किया जाए। अगर कोई किसी होटल या रेस्टोरेंट में मादक पदार्थ पाया जाता है तो उस होटल और रेस्टोरेंट को सील किया जाए। प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एजीएमसीटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया, कुशीनगर, बागपत, चंदौली, मऊ, भदोही, कानपुर आउटर तो में जो हमारी सूचना आई है उसके हिसाब से लगभग 10 से 11 हजार आदमी डिस्प्लेस हुए हैं। इस पर भी सरकार मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। तीसरा बिंदु लंबी डिजीज के लिए जरूर सरकार आपको मार्गदर्शन प्राप्त, और जो दशहरा आएगा और फिर उसके बाद नवरात्र आएगी और उसकी तैयारी के लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। सर इन बिंदुओं पर सर आज आपने आवास साथ ही साथ जो है निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े हुए सभी अधिकारी जो इकट्ठा हो जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सीडीओ भी आज जो है उपस्थित हो गए सर, तो सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। शिक्षा विभाग के भी सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आबकारी भी जो है यहाँ पर है, जिनके माध्यम से इस पूरे अभियान को, अवैध शराब के अभियान को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर आपका मार्गदर्शन, आगे की क्या स्थिति है? पानी नहीं बढ़ रहा तो वहाँ का 7 लाख के आसपास आ गए, लेकिन जो सर इफेक्ट है सर, तो ये यमुना जी के पानी को सर गाड़ी से करता हूँ। प्रयागराज में गंगा जी में पानी आता सर, पानी पड़ता गंगा जी का सर। तो यह 31 अगस्त को जिलाधिकारी जालौन। नमस्कार सर। सर हमारे यहाँ यमुना का जलस्तर बढ़ने से 3 तहसीलें सर प्रभावित हैं।